हाल ही में रिलीज हुई सलमान खान और कटरीना कैफ स्टार फिल्म टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। इस फिल्म के बाद फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि साल 2017 सलमान के लिए काफी अच्छा रहा। हालांकि ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। टाइगर जिंदा है के बाद भी सलमान की झोली में ऐसी कई फिल्में हैं जिससे सलमान के फैंस को काफी उम्मीदें हैं। पहली फिल्म है रेस 3। ये फिल्म साल 2018 में ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी। फिल्म में सलमान के साथ जैकलीन लीड रोल में है। उम्मीद है ये फिल्म भी सलमान के खाते में अच्छे रिकॉर्ड के साथ दर्ज हो। रेस 3 के बाद सलमान भारत से भी फैंस को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि इस फिल्म के लिए फैंस को 2019 का इंतजार करना पड़ेगा। फिल्म को अली अब्बास जफर डायरेक्ट करेंगे। फिल्म 2019 में ईद को मौके पर रिलीज होगी। भारत के बाद सलमान एक और फिल्म में अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे। फिल्म का नाम है किक 2। ये फिल्म साल 2019 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म को साजिद नाडियाडवाला डायरेक्ट करेंगे। ये फिल्म एक्शन से भरपूर होगी। हालांकि फिल्म में सलमान की हीरोइन कौन होंगी इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। साल 2019 में सलमान दबंग 3 में भी नजर आ सकते हैं। दबंग सीरीज की पहली दो फिल्में सुपरहिट साबित हुई थी। अब टाइगर जिंदा है के बाद सलमान के फैंस को उनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाला साल सलमान के लिए कैसा साबित होता है।